हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.IN। सो आज इस लेक्चर में आपको पता है हम यूनिट 2 कर रहे हैं और इसके पहले भी हम कुछ लेक्चर्स ले चुके हैं और जो टॉपिक हम देख रहे थे वो था इंडिविजुअल डिफरेंस। एक पार्ट हम कर चुके हैं तो प्लीज़ उसको देखिए, उसके नोट ज़रूर बनाए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये हर साल इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉन्ग में भी एंड ऑल्सो इन शॉर्ट। तो नोट्स बनाते चलिए। आज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में देखेंगे उसके कॉजेज और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसका मीनिंग और डेफिनेशंस हमने पहले समझ चुके हैं तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या इसके कॉजेज हैं। प्लीज़ आप नोट्स प्रॉपरली बनाते चलिएगा। तो इसके पहले वीडियो में हमने बात करी थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर, जहाँ पर हमने समझा था व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में कि हर पर्सन टू पर्सन जो हमारे अंदर डिफरेंसेस होते हैं, हर दो इंसान में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर आज हम उसके पढ़ेंगे कॉजेज़ के, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बनाती हैं, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल डिफरेंस हमारे अंदर पैदा करती हैं, दो लोगों को दूसरों से आपसे में अलग बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे। इसमें पहला फैक्टर है हेरिडिटी, जैसे अनुवांशिकता हम कहते हैं। तो बिल्कुल जो कुछ ट्रेट्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, आपको पता है जब ये हम इसको बायोलॉजिकल फैक्टर्स में इसको काउंट करते हैं, जो भी पेरेंट्स से हमें कुछ जो क्वालिटीज़ मिलती हैं, जैसे आपको पता है कि हम बहुत से अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ठीक है, हमारा फेस होता है उनकी तरह। और कुछ हेरिडेटरी फैक्टर्स इस तरह से भी होते हैं कि अगर हमारी फैमिली में सब टॉल हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हम भी टॉल ही रहेंगे, ठीक है, हमारी भी हाइट उस लेवल पर रहेगी। कॉम्प्लेक्शन की बात करें, अगर सब फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं तो हम भी फेयर कॉम्प्लेक्शन ही हमको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जो कि एक हेरिडिटी है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि चेंज लाता है दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट इज साइज, हाइट, वेट, शेप, हेयर्स, हमारे फेस, नोज, हैंड्स, लेग्स, तो हर चीज़ का जो स्ट्रक्चर है हमें बिल्कुल जो हेरिडिटी के थ्रू मिलेगा वो हमें डिफरेंस लाएगा हमारे अंदर दूसरों के कंपैरिजन में। एंड ऑल्सो इंटेलेक्चुअली भी हम हो सकता है कि चेंज हमको एक मिले, क्योंकि इंटेलेक्ट पर भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हमारे पेरेंट्स अगर इंटेलिजेंट काफ़ी बैकग्राउंड से हैं तो हो सकता है कि वो इंटेलेक्ट हमको उनसे मिल जाए और एक जो IQ लेवल है हमारा वो भी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पर पहुँच जाए। हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि हेरिडिटी से बहुत ज़्यादा हमको इन्फ्लुएंस करती हैं और दो लोगों के बीच में जो डिफरेंस है उसको देखने को मिलता है इन फैक्टर्स की वजह से। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंट। जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, वो आपको पता है कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है हमारे ऊपर, ठीक है, कैसे डिपेंड करता है कि हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट, हमारी फैमिली है, आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, क्या वो इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं हमारे मेंटली, हमारे ऊपर क्या वो एक इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, किस तरह से वो मेंटली हमें प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, ये एक बात होती है। और किस तरह से जो लोग हैं हमारे आसपास, कैसा एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस हिसाब से हमारा बिहेवियर बनता है, ठीक है, हम एक्टिविटीज़ उस हिसाब से, हमारा एटीट्यूड, स्टाइल, हमारी जीने का जो हमारा स्टाइल होता है, करेक्टरिस्टिक्स, हमारी पर्सनैलिटी उस हिसाब से बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है। और जो एक फिज़िकल सराउंडिंग की अगर हम बात करें कि सिर्फ अगर हम आसपास की सराउंडिंग्स को देखकर बात करें तो सिर्फ उसको ही हम यहाँ पर एनवायरनमेंट कंसिडर नहीं कर रहे, जबकि हम कंसिडर कर रहे हैं आसपास के नेबरहुड को, ठीक है, हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनको भी हम कंसिडर करते हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो सब हमारे ऊपर एक प्रभाव डालती हैं, ठीक है, जो भी कल्चर है हम उससे इन्फ्लुएंस रहते हैं, उस हिसाब से हम चीज़ों को सीखते हैं, छोटे से ही हम अपने हिसाब से, अपने कल्चर, अपने रिलीजन के हिसाब से चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें दूसरों से अलग करता है। अगर हम किसी दूसरे कल्चर से हैं, दूसरे रिलीजन से हैं, तो सेकंड पर्सन है वो अलग कल्चर और रिलीजन से, तो हमारे अंदर ऑब्वियसली एक डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमने अपने नॉर्म्स सीख रखे होंगे, अपनी वैल्यूज़, रिचुअल्स छोटे से हम सीख रहे होते हैं, और जो अदर पर्सन है उसने अपने हिसाब से अपने कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखा होता है, तो ये यहाँ पर एक डिफरेंस हमारे अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इज़ रेस एंड नेशनैलिटी, जो कि हमने इसके पहले बात करी थी। रेस इज़ समथिंग जिसको हम हेरिडिटी प्लस जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हमारा अपीयरेंस, हमारा कॉम्प्लेक्शन, हेयर्स किस तरह से हैं, ठीक है, तो ये फिज़िकल अपीयरेंस है, उस हिसाब से भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं वाइट्स एंड ब्लैक्स को लेकर, नेशनैलिटी इस हिसाब से कि
आसपास का जैसा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डलता है, जैसे इंडियंस हैं तो अगर हम उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो कहते हैं वेरी पीस लविंग हैं, वो डिफरेंट कल्चर्स को देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ट्रेडिशंस हम देखने को मिलते हैं। चाइनीज़ हैं तो आप देख सकते हैं, अमेरिकन हैं दे आर वेरी फ्रैंक। तो इस तरह से नेशनैलिटी के हिसाब से भी हमने यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर दिए हैं। तो ये एक हमें दो लोगों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर वन पर्सन इज़ फ्रॉम अफ्रीका एंड वन इज़ फ्रॉम अमेरिका, तो आप उसमें वैसे भी रेस को देखकर आप उसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि द वन इज़ वाइट देन वन इज़ ब्लैक, एंड उसके उनके बिहेवियर्स को लेकर भी आप उनमें डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट इज सेक्स। ड्यू टू सेक्स वेरिएशन वन इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम अदर, इसका हमने भी डिटेल डिस्कशन किया था पहले, जब भी मैन और वुमेन्स में जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से हमने एक डिफरेंस क्रिएट किया था कि अगर हम बहुत लॉजिकल की तरफ जाएँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और लॉजिकल सब्जेक्ट्स के थ्रू जाएँ, तो वो जो मैन होते हैं वो ज़्यादा उसमें चीज़ों को समझ पाते हैं अच्छे से, और रादर देन जैसे वुमेन्स हैं वो हाउस होल्ड वर्क्स को अच्छे से समझ पाती हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंशिएशन है, हालांकि हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से ही जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों को लेकर ये डेटा निकाला जाता है। मैंस आर स्ट्रॉगर इन मेंटल पावर, वही बात है कि मैन को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, वो उनकी मोटर एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं अदर देन जो वुमेंस है, अगर हम उनसे कंपैरिजन करें तो वो ज़्यादा फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी मोटर एबिलिटीज़ अच्छी होती हैं, तो वो अच्छे से चीज़ों को टैकल कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड वुमेंस ऑन द एवरेज शो स्मॉल सुपीरियरिटी ओवर मैन इन मेमोरी, जैसे कि हमने बात करी, मतलब दिमाग से हो सकता है कि हम कम सोच पाएँ, मैन ज़्यादा सोच पाएँ। अब तो ये चीज़ें यहाँ पर अलग हो गई हैं, बट वही जो स्टैटिस्टिक्स की बात है यहाँ पर, वो उसके उसको लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लैंग्वेज हो गया, एस्थेटिक सेंस, वुमेन एक्सेल द मैन इन शोल्डरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हैविंग बेटर कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपको पता है वुमेन हैं वो हाउस होल्ड वर्क प्लस जो भी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं, वो हो सकता है वो मैन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो बाहर का काम देखते हैं, वुमेन जो होती हैं वो हाउस होल्ड वर्क देखते हैं। तो इस तरह से डिफरेंशिएट उन्होंने कर रखा है, और यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस को क्रिएट करने का एक ये बहुत बड़ा फैक्टर बताया है। नेक्स्ट इज एज। तो एज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम देख सकते हैं। क्यों? एक जो चाइल्ड होता है और एक जो एडोलेसेंस में एक इंसान होता है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि वो अपने इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। जो छोटा बच्चा है वो चीज़ों को अभी उस लेवल पर नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हम मैच्योर हो रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम बेटर एक कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस के ऊपर, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे जैसे जैसे हम ग्रो होंगे और हमारी एज में एक चेंज आएगा। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। तो आपको पता है कि एजुकेशन आज के टाइम पे कितना इम्पॉर्टेंट एक वेपन है हमारे लिए, जो कि चीज़ों को सही करने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, ठीक है। अभी यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि डिफरेंस कितना होता है एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड पर्सन में, क्योंकि जो इंसान एजुकेटेड है वो चीज़ों को समझ सकता है बेहतर तरीके से, हर चीज़ को वो लिंक कर सकता है, और किसी भी कॉन्सेप्ट को वो एक अलग लेवल से समझ सकता है अगर उसके पास प्रॉपर एजुकेशन है तो। और एक पर्सन अगर अनएजुकेटेड है तो उसको वही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, वो चीज़ों की वैल्यू नहीं समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट को उस लेवल तक नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो एजुकेशन है वो आपका एटीट्यूड बिल्ड करती है, आपका बिहेवियर बिल्ड करती है, आपको सही और गलत एक डिसीजन लेने में आपको हेल्प करती है। और जो वहाँ पर एक अनएजुकेटेड इंसान होता है उसको नहीं पता होता है कई बार चीज़ों का कि व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न एरा। बहुत ज़रूरी है हमारे पास एजुकेशन होना। नेक्स्ट इज़ एज एंड इंटेलिजेंस। जैसा कि हम एज के बारे में भी बात कर सकते हैं कि अगर हमें मेजॉरिटी हमारे अंदर आती है तो हम उस हिसाब से चीज़ों को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, और अलग अलग एज पे हमारा अलग इंटेलेक्चुअल इमोशनल सोशल लेवल काम कर रहा होता है। एंड अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो बिल्कुल एक एवरेज और एक इंटेलिजेंट पर्सन में जो जिसका आईक्यू लेवल कम है वो चीज़ों को देर से समझ पाएगा, और जो जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा है, जो इंटेलिजेंट है, वो क्या होगा, चीज़ों को अच्छे से जल्दी समझ पाएगा, ठीक है। तो एक इस तरह से भी इंडिविजुअल डिफरेंस हम दो लोगों में क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज और इंटेलिजेंस को लेकर। नेक्स्ट इज टेम्परमेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। दो लोगों में कैसे कंपेयर किया जा सकता है? हमारे
जो इमोशंस हैं, कितना हमें उस पर कंट्रोल है इस चीज़ को भी लेकर। कोई भी सिचुएशन होती है, हम उसको कितनी पीसफुली लेते हैं या हम कितना उस पर एग्रेसिव होते हैं, ये भी एक डिफरेंस क्रिएट करता है दो लोगों में। जहाँ पर हम दो लोगों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं इन क्वालिटीज़ के थ्रू, ठीक है। इसलिए हम इसको एज कॉजेज या फैक्टर्स समझ रहे हैं। यहाँ पर एक जो इमोशनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपको कितनी ज़ोर से गुस्सा आता है या फिर आपको कितनी ज़ोर से रोना आता है, तो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़ कि दो लोग किस हिसाब से किस सिचुएशन को टैकल कर पा रहे हैं। तो यहाँ से भी हम जो इंडिविजुअल एक डिफरेंस की बात होती है उसको हम दो लोगों को अलग कर सकते हैं इसके थ्रू भी। अदर कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, आपके इंटरेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड्स, आपके अचीवमेंट्स, सेंटिमेंट्स, कैरेक्टर, एजुकेशन, होम बैकग्राउंड, तो ये सब चीज़ें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कॉज करती हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन। बिल्कुल, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी कि अगर एक बच्चा पुअर घर से है और एक रिच फैमिली से है तो उसका न्यूट्रिशन लेवल अलग होगा, उसका जो उसको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो अलग होंगी, तो इस तरह से भी डिफरेंस आएगा। और इकोनॉमिक स्टेटस इस वजह से यहाँ पर इफ़ेक्ट डालता है क्योंकि अगर एक बच्चे को उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है तो वो कैसे पढ़ेगा। अदर हो भी सकता है कि वो इंटेलिजेंट हो पढ़ने में, लेकिन उसको सफिशिएंट वो कंडीशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है या फिर वो ऐसा एनवायरनमेंट उसको नहीं मिल पा रहा है कि वो पढ़ पाए, तो इस वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत बड़ा एक कॉज या फैक्टर कह लो जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करता है दो लोगों के बीच में। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इज़ जनरली रिलेटेड टू द एज ऑफ द मैन, जैसे हमने अभी बात करी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम चीज़ों को करने के लिए मैच्योर हो जाते हैं। अगर आप 6 महीने के बच्चे को बोलो कि आप इस बुक को रीड करो तो वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आईज़, जो उसकी आँखें हैं, अभी उस लेवल पर उन्होंने मैच्योरिटी गेन नहीं करी कि वो अभी पढ़ पाएँ। तो मैच्योरिटी क्या होती है, एज के साथ बिल्कुल अफेक्ट करती है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आपकी एज बढ़ते हैं, आपके अंदर वो मैच्योरिटी लेवल आने लगता है और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। हर एक फैक्टर को आप अपने आसपास बेहतर तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। जैसे जैसे आप एज में बढ़ते हैं उस हिसाब से आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी बढ़ता है और एक इंडिविजुअल डिफरेंस इस हिसाब से भी क्रिएट होता है। कम मैच्योर्ड पर्सन नहीं समझ सकता चीज़ों को जो एक ज़्यादा मैच्योर्ड और एक एक्सपीरियंस्ड इंसान समझ सकता है। नेक्स्ट इज मोटर एबिलिटी। ड्यू टू मोटर रिलेटेड एबिलिटी सम पीपल डू नॉट वर्क सून एंड स्किलफुली। तो यहाँ पर भी बात है मोटर एबिलिटी कैसी के, अगर हम इसको भी एज के हिसाब से देखें कि अगर आप एडल्टहुड में हैं, एडोलेसेंस हैं, ठीक है, तो आप में उस समय एक एनर्जी है, एक यूथ एनर्जी है काम करने की, ठीक है, आप स्किल्ड हो रहे हैं, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, रादर देन जो 30, 35, 40 के एज की तरफ बढ़ रहे हैं वो उनमें वो फुर्ती नहीं होगी जो हम में जो यूथ में होती है, ठीक है। तो एक तरह से हम उसको हम मोटर एबिलिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हम जल्दी काम कर सकते हैं, अभी हमारे अंदर वो एनर्जी है नई नई चीज़ों को सीखने की। तो इस हिसाब से भी जो मोटर एबिलिटी है ये डिफरेंस ला सकता है दो लोगों के बीच में। ना नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड यहाँ पर ये बात है कि आपको पता है हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हमारे साथ हमारे कोमेट्स पढ़ रहे होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। बैकग्राउंड्स का मतलब कि सब लोग अलग अलग फैमिली से आ रहे होते हैं, अलग कल्चर्स से आ रहे होते हैं, अलग उनके ट्रेडिशंस होते हैं, हम लोग अलग अलग चीज़ें सीखी होती हैं। कुछ रिच फैमिली से होते हैं, कुछ पुअर फैमिलीज से होते हैं, कुछ इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से होते हैं, तो हमारे अंदर जो बिहेवियर होता है वो उस हिसाब से होता है क्योंकि हम उस एनवायरमेंट में डेवलप करे होते हैं और उस एनवायरमेंट के हिसाब से ही चीज़ों को सीख रहे होते हैं। जो एजुकेटेड द वन आर फ्रॉम रिच फैमिलीज, उनका एक एटीट्यूड आपको अलग मिलेगा, एक उनका बिहेवियर उनको अलग मिलेगा, उनका ड्रेसिंग सेंस, द वे दे स्पीक, द वे दे इंटरैक्ट विद पीपल आपको अलग मिलेगा उन लोगों से जो कि अनएजुकेटेड हैं या फिर जिनको नहीं पता नॉर्म्स या फिर जिन्होंने नहीं सीखा, वो जो उस एनवायरमेंट से नहीं आ रहे, जिस एनवायरमेंट से वो आ रहे हैं, एजुकेटेड लोग जो आ रहे हैं, एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा उनके इमोशनल, सोशल, मॉरल अपीयरेंस में, हर चीज़ में एक डिफरेंस आपको मिलेगा। तो एक बैकग्राउंड भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उसके पीछे काम करता है। अब ये तो हुए कॉजेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये एग्जाम्स में आएंगे ही। अगर सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बताना है
तो आपको कैसे लिखना है इंडिविजुअल डिफरेंस का, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशंस लिखनी है, एंड देन उसके जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके कॉजेज, उसके फैक्टर्स, उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, तो यहाँ तक आपको चीज़ें लिखनी रहेंगी। अब हम यहाँ पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होते हुए भी किस तरह से जो एक एजुकेशन सिस्टम इसके पीछे काम करता है। हर इंसान अलग है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हर दो इंसान को अगर हम कंपेयर करें तो वो दो पर्टिकुलर इंसान भी अलग अलग हैं, यहाँ तक कि सेम पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन हैं वो भी अलग होते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे किस तरह से जो एजुकेशन सिस्टम उसको काम करना चाहिए सो दैट हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर चाइल्ड को प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। तो हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए या ध्यान में रखनी चाहिए उसको हम देखते हैं। तो एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग शुड बी लिंक्ड विद इंडिविजुअल डिफरेंस कंसिडरिंग द डिफरेंट एबिलिटीज एंड ट्रेट्स इंडिविजुअल। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एजुकेशन के एम्स हैं, जो भी गोल्स हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो हमारा मेन फोकस है, जो करिकुलम हम बना रहे हैं, ठीक है, जो मेथड ऑफ टीचिंग हम यूज़ कर रहे हैं क्लास में, वो किस से लिंक होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। किसी को चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, किसी को देर में समझ में आती हैं, लेकिन पढ़ते हम एक ही क्लास में हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो मेथड ऑफ टीचिंग हो, सो दैट इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए हर बच्चे के ऊपर हम ध्यान दे सकें और उनकी एबिलिटीज़ के ऊपर हम ध्यान दे सकें कि किसको किस हिसाब से क्या नीड है, और उस हिसाब से हम हर स्टूडेंट तक चीज़ों को अच्छे से डिलीवर कर पाएँ जिससे कि वो समझ पाएँ। करिकुलम शुड बी डिज़ाइन एज पर द इंटरेस्ट एबिलिटीज़ एंड नीड्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो करिकुलम आपका किस हिसाब से होना चाहिए, करिकुलम का मतलब ये होता है एक इंस्ट्रक्टिव आपका जो प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं अपन, ठीक है, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो पढ़ाने के लिए हो, चाहे वो टीचर हो, तो ऐसे कौन सा करिकुलम हम बनाएं जो कि हर बच्चे पर अफेक्ट करे और हर बच्चा उस चीज़ पर समझ पाए, ठीक है, हर बच्चे के इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के हिसाब से वो चीज़ों को समझ पाए कि आसपास उसके क्या चल रहा है, ना कि ऐसा कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा और हम बस पढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। द टीचर हैड टू अडॉप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। बिल्कुल, जो टीचर है क्लास में पढ़ा रहा है, आफ्टर ऑल वो इतने सारे बच्चों को टैकल कर रहा है, जो कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, किसी को जल्दी समझ में आ रहा है और किसी को आ ही नहीं रहा है, तो हमें हर बच्चे पर ध्यान देना है, ऐसा टीचिंग मेथड अपनाना है जिससे कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो उन 50 के 50 बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हैं तो वो समझ में आ जाए। सम को करिकुलर एक्टिविटीज सच एज ड्रामा, म्यूजिक, लिटरेरी एक्टिविटीज़ शुड बी असाइन टू चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में आपको पता है, सो दैट क्यों होती हैं डिफरेंट, सो दैट हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट कर सके एंड अपने आप को स्किलफुल बना सके। टीचर यूज सर्टेन स्पेसिफिक टीचिंग एड्स विच विल अट्रैक्ट द चिल्ड्रन टुवर्ड्स टीचिंग कंसिडरिंग देयर इंटरेस्ट एंड नीड्स। तो यहाँ पर आपको पता है टीचर्स जो होते हैं बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड्स हो गए, ठीक है, और डिफरेंट सारे चार्ट्स हो गए, मैप्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, तो वो क्यों यूज़ करते हैं टीचिंग एड्स का, सो दैट इतने सारे बच्चे हैं उनको हर हिसाब से समझ में आए। दे मेक यूज़ ऑफ मॉडल्स, दे मेक यूज़ ऑफ चार्ट पेपर्स, ठीक है, वो डिफरेंट डायग्राम्स बना के आपको समझाते हैं। क्यों समझाते हैं, जिससे कि हर बच्चे को वो चीज़ें समझ में आए। जब वो इतने सारे टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हर बच्चे को कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट करेंगे और हर बच्चा सीखेगा चीज़ों को। नेक्स्ट इज जो हम वेरियस मेथड्स यूज़ करते हैं स्कूल कॉलेज में, जैसे टीचर्स प्लेइंग मेथड्स यूज़ करते हैं नर्सरी में, इवन जो बड़ी क्लासेस होती हैं उसमें भी, और लेकिन जो किंडरगार्टन होता है उसमें हम ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं प्लेइंग मेथड को। क्यों, जिससे कि उस समय क्या होता है बच्चे ज़्यादा प्ले की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको उसी के थ्रू सिखाने की यहाँ पर कोशिश करी जाती है। बड़ी क्लासेस में हम प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, मॉन्टेसरी भी छोटे क्लासेस में हम यूज़ करते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करते हैं। क्यों, जिससे कि ये जो इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं ये हर बच्चे का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, हर कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ पाए। इसलिए कॉमन मेथड ऐसे यूज़ करे जाते हैं जो हर किसी को इंटरेस्ट करें। नेक्स्ट इज द डिवीजन ऑफ पीपल इनटू क्लासेस शुड नॉट बी बेस्ड ओनली ऑन द मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज।
बट द फिजिकल सोशल इमोशनल मैच्योरिटी शुड बी गिवन. हाँ बिल्कुल, जो क्लास में डिविजन्स होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि हम एक क्लास में बिल्कुल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को रखते हैं, एक में बिल्कुल पुअर को रखते हैं, तो ऐसा नहीं होता. हमेशा मिक्सचर आपने देखा होगा अपनी क्लास में, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं हमारे साथ के ही एंड कुछ एवरेज होते हैं. तो क्यों? जिससे कि हम एक दूसरे से सीखें चीज़ों को. अगर हम सारे ही बच्चे एवरेज हैं, अगर उनके सामने कोई बच्चा अच्छा नहीं है, तो उनको कैसे मोटिवेशन मिलेगा कि उनको उनकी तरह बनना है, या फिर ऐसी वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो उसको इंटेलिजेंट बना रही हैं और उनको एवरेज. तभी हम सीख पाएंगे. आपसी एक जो यूनिटी होती है, कोऑपरेशन होता है, हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं चीज़ों को, उसके थ्रू हम बेहतर सीख पाते हैं. जो इंटरेक्शन होता है उसके थ्रू हम बेहतर एक दूसरे को समझा पाते हैं, अच्छे से टॉपिक्स को समझ सकते हैं. तो इस हिसाब से कभी भी डिविजन नहीं होता कि हम मेंटल एज या फिर कोई भी इस हिसाब से एक डिवीजन कर रहे हैं कि दो चीज़ों में, दो लोगों में, दो सेक्शंस में हम बिल्कुल ही एक डिफरेंस कर पाएं कि ये लोअर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं ये सेक्शन ए हैं उनका, और जो बहुत ही अच्छे सेक्शन से हैं वो सेक्शन बी में हैं. तो इस तरह से नहीं होता. इन केस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस द काउंसिल इज टू प्लान द गाइड टेक्निक्स कीपिंग इन व्यू द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो आपको भी पता है अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जब भी वो इम्प्लीमेंट हो रही है, तो वहाँ पर वोकेशनल उस पर ज़्यादा काम किया गया, जिसमें कि हमारी स्किल्स, जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, उन पर ज़्यादा फोकस अब किया जाएगा कि हमारे अदर देन स्टडीज़ ऑल्सो, अगर हम किसी स्पोर्ट्स में हैं, किसी म्यूज़िक में हैं, अगर हम इंटरेस्ट हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में, हम इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसको हमें सिखाया जाएगा. ठीक है, जिससे कि हम पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसी कोकरिकुलर एक्टिविटी को आगे बढ़ाएं जो इन फ्यूचर हमारे काम आए. तो इस पर भी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है और अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं. क्यों? क्योंकि अलग अलग बच्चे होते हैं और उनका इंटरेस्ट अलग होता है, उनकी एबिलिटीज़ अलग होती हैं, तो इस पर भी हम ध्यान देते हैं. तो इसी तरह से ये बात हुई पूरे इंडिविजुअल डिफरेंस की, यहाँ पर उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन की, कि किस तरह से जो एजुकेशन है उसको हम इम्प्लीमेंट करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर. तो दिस इज़ वॉट इज़ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हुआ होगा. कल हम पढ़ेंगे कल्चरल डिफरेंसेस को लेकर, और फिर हमारा यूनिट 1 यहाँ पर ख़त्म होगा. हम बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के तरफ. आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे. अगर हम बुक्स की बात करें तो बिल्कुल आप बुक्स ले सकते हैं, यहाँ से भी आप लेक्चर्स लें, पढ़ें, एंड फॉर बेहतर पढ़ाई एंड डिटेल डिस्कशन के लिए, डिटेल अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बेहतर करने के लिए, यू कैन टेक बुक. आप उसमें पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इंग्लिश में, हिंदी में ऑप्शनल ई बुक्स जो भी सारी अवेलेबल हैं आप ले सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप नंबर 7055248478 पर, एंड ऑल्सो आप ईमेल कर सकते हैं @blednotes@gmail.com पर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट blednotes.in. और अगर आपको ये लेक्चर्स हेल्पफुल हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन ज़रूर दबा दें, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें. कोई भी रिक्वायरमेंट है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय.